अर्जुन के रोम रोम में मान बंध गए और उस समय भगवान ने अपने प्रण को तोड़ दिया। अपने सखा की रक्षा करने रथ से कूदे, रथ का पहिया हाथ में लेकर रथांग पानी भगवान पितामह के पास दौड़ पड़े। पितामह ने धनुष दिया और कहा, मेरे प्रण को तोड़कर मेरे प्रण को रक्षा करके अपने प्रण को आपने तोड़ा है। बोलो गोविंद भगवान की। जब दुर्योधन ने देखा पितामह में इतना बल है कि भगवान को भी शस्त्र ग्रहण करने के लिए विवश कर दिया, तो दुर्योधन ने कहा, पितामह आप अपने बलवान हैं और फिर भी पांच दिन हो गए आपने पांडव का वध नहीं किया। बोले, पांडव हमारे पवित्र हैं, तुम भी पवित्र हो, लेकिन तुम्हारा मार्ग अन्याय और अधर्म का है। पांडव का मार्ग सबसे और न्याय का है, लेकिन मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। ये मेरी विवशता है, व्यवस्था नहीं विवशता है। वो विवशता इस प्रकार की है, मैंने युवावस्था में दो प्रण किए थे, एक बाल बाल ब्रह्मचारी अपने पिता की प्रसन्नता के लिए और कुरुराज सिंहासन की रक्षा करूंगा, इसलिए मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ, अन्यथा तुम्हारा मार्ग बड़ा पापी है, अन्याय का है। दुर्योधन ने कहा, यदि आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे, पांडवों का वध नहीं करेंगे, तो हम विजयी नहीं होंगे और फिर आपका भी पुरुषार्थ, आप सेनापति हैं, पुरुषार्थ अलंकृत होगा। पुरुषार्थ अलंकृत की बात कही तो पितामह का क्रोध आ गया और पितामह ने क्रोध में प्रण किया, हे दुर्योधन मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कल के युद्ध में मैं पांडवों का वध अवश्य कर दूंगा, एक पांडव का वध अवश्य कर दूंगा। अब तो दुर्योधन बड़ा प्रसन्न है, एक पांडव का वध कर देंगे पितामह और शेष पांडव स्वयं चिता में जलकर भस्म हो जाएंगे, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर का प्रण है कि यदि मेरा कोई भी भाई समाप्त हुआ तो शेष चारों भाई भाई के साथ चिता में जलकर भस्म हो जाएंगे। अब तो दुर्योधन बड़ा प्रसन्न है, पितामह ने कहा, देखो दुर्योधन मैं एक वरदान दूंगा, ब्रह्म मुहूर्त में जो पतिव्रता सधवा नारी मेरे चरणों में आकर सर्वप्रथम प्रणाम करेगी मैं उसका सुहाग अमर कर दूंगा। अब तो दुर्योधन और प्रसन्न हुआ, बोला कि अब तो ये बहुत सुंदर बात है, मैं अपने ही धर्म पत्नी भानुमति को प्रणाम करने भेज दूंगा, उसका स्वागत करता है अमर होकर अकंटक राज्य का भोग करूंगा। अब तो दुर्योधन बड़ा प्रसन्न है, लेकिन पांडवों को ये समाचार जान क्यों नहीं, वो सो रहे हैं, लेकिन आनंद भगवान कृष्ण के नेत्रों में नहीं है, जिसके भक्त संग संग में है उसे भला निद्रा कहां। अर्धरात्रि में भगवान गए, बोले अर्जुन उठो उठो, देखो अर्जुन जी भगवान को प्रणाम किया। बोले अर्जुन तुम्हें नहीं मालूम है कल के युद्ध में पितामह का प्रण है कि एक पांडव का वध कर देंगे और एक पांडव का वध होते ही तुम सब समाप्त हो जाओगे। पितामह बोले, इसकी चिंता हमें नहीं, आप होना चाहिए, मैं युद्ध नहीं कर रहा था तो आपने कहा था कर्म करने वा अधिकारस्ते मा फले सदाचार, मा कर्म फल हिर्भूर माते सर्वस्व कर्मण, तुम निष्काम कर्म करो फल की आशा छोड़ दो, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना न उपासते तेषां मिथ्याभिधानां योक्षेमम वहम हम, तो आप योक्षेम का बयान करिए, हम तो आपका भजन करते हैं, हमें चिंता नहीं है, हमें चिंता नहीं है, हम तो चिंतन करते हैं। बहुत बहुत बातें, हमें चिंता नहीं होती, उन्हें चिंता हमारी है, हमारे जीवन के रक्षक दर्शन चक्र धारी, तो चिंता नहीं चिंतन करने की आवश्यकता। जो करते हैं चिंता, भगवान कहते हैं हमारा काम क्यों कर रहे हैं, अब करो करो। ट्रेन पर बैठे पूछा गया, बोले ट्रेन का भार हल्का कर रहे हैं, गठरी सिर पर चिंता की गठरी सिर पर ला दे, भगवान कहते करने वाला तो मैं हूं, तुम क्यों चिंता करा करते, तुम क्यों शोक करते हो, जो करूंगा मैं करूंगा, जो करता हूं मैं करता हूं, तुम निमित्त मात्र केवल हो, निमित्त मात्र भव सबे साचिन, कितनी सुंदर बात। आज चिंता बहुत है, आज मानसिक रोगों से परेशान है, डॉक्टरों के पास जाते हैं, वो औषधि नहीं है, वो डॉक्टर नसों को शून्य करने की दवा देते हैं, जिससे धीरे धीरे वो व्यक्ति आधा पागल हो जाता है, उसकी स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है, बुद्धि शून्य हो जाती है, क्योंकि सोने की दवा देते हैं, सो जाकर सो, ये दिमाग की नसें कमजोर हो जाती है। बोले, इसकी दवा है भगवान का चिंतन, जब चिंता व्याप्त हो तो भगवान का चिंतन प्रारंभ, प्रभु का नाम जोर जोर से लेने लगे,
मन में नहीं लगो, मानसिक जप करना शुरू करो, चिंता समाप्त हो जाएगा। चिंतन चिंता समाप्त करता, भगवान का चरित्र चिंता समाप्त करता। रामचंद्र गुण बनने लगा, सुनते हैं सीता का दुख भागा। रामायण को भाग भाग सुनो, चिंताएं दूर हो जाएंगी। भगवान को जीवन का कर्ता मानो, अपना सबसे अधिक सुहृद, अपना सबसे अधिक हितैषी भगवान को ही मानो। ना ना तदा तदम पला सुलोचना दुखद छिदम इंद्रिय मर गया कभी कभी। भगवान से बढ़कर तुम्हारा कोई हितैषी नहीं है। अपनी बात पर गुस्से कहो, एकांत में उनके आगे रो, अपने दुख को बताओ, तुम्हारा दुख वो हरेंगे, तुम्हारा दुख हल्का हो जाएगा। प्रभु के आगे रो, अपनी बात प्रभु के आगे कहो, रोकर करो, क्योंकि प्रभु के ही हो, प्रभु हमारे हैं। ऐसा अनन्य संबंध हमारा बड़ा है। चिंताओं से परेशान हो, चिंता अवसाद है, निद्रा है, मानसिक तनाव है, बहुत बहुत मनुष्य को व्याकुल और विक्षिप्त करने वाला है। भगवत नाम एक औषधि है, दवा है, इसका सेवन करो। निरंतर प्रभु नाम स्मरण आपको चिंताओं से मुक्त कर देगा। ये बात हल्के में मत लेना, बड़ी गहराई है, इसको जीवन योग्य बनाता है। अर्जुन ने जब कहा प्रभु आप भी हमारे रक्षक हैं, भगवान ने विचार किया कि रक्षा का भार मेरे ऊपर है। और भगवान ने लीला की, लीला धारी है, लीला की उन्होंने राधा के तृतीय चरण में नारी का वेश बनाया और जाकर द्रौपदी का द्वार खटखटाया, पांचाली ने द्वार खोला। कौन है आप? आगंतुका ने अवगुंठन फट लिया, अवगुंठन के भीतर से माधव का मुख झांका, गोविंद नारी बनकर आए भैया, ऐसा कौन संकट पड़ गया कि नारी बनकर आए हो? भगवान ने नारी बनने का हमारा पुराना अभ्यास, हम जब जब नारी बन जाते हैं। एक बार हम नारी बने थे जब देवताओं को हमें अमृत पिलाना था, ऐसी नारी बने, हम ऐसी नारी बने कि शंकर जी भी धोखा खा गए। हम ऐसी नारी बनते हैं, आज भी नारी बनना पड़ा, क्यों? हमारा स्वभाव शंकर में। चलो चलो पांचाली बाबा से ऐसे सौभाग्यवती का वरदान ले आए। द्रौपदी के पाद त्राण चढ़ रहे हैं, गोविंद ने पाद त्राण ले लिए, पीतांबर में लपेट कर अपने बगल में दबा लिया। ऐसे भक्त वत्सल भगवान द्रौपदी के पाद त्राण बगल में दबाए जा रहे हैं। गोविंद युद्ध शिविर से निकट भगवान कृष्ण ओट में छिप गए। बोले बहन जाओ बाबा के चरणों में दंडवत करो। जब जब बाबा अपने सौभाग्यवती का वरदान न दे दें, बोलना नहीं, मुंह नहीं खोलना। द्रौपदी गई, पितामह के चरणों में मस्तक फेंक दिया। कंकन किंकिन नूपुरों की झनकार सुनकर के पितामह ने जाना पूर्व कथनानुसार ये दुर्योधन की रानी भानुमती ही आई होगी। बाबा ने कहा वधु वरदान मान। द्रौपदी ने और चरण पकड़ लिए। बाबा और विनम्र नेत्रों से निहार कर बोले वधु वरदान मान लो। द्रौपदी बोली नहीं तो बाबा बोले अटल सौभाग्यवती भव, अटल सौभाग्यवती भव, अटल सौभाग्यवती भव। और उस समय द्रौपदी ने मुख खोला, कहा पितामह प्रणाम। बाबा बोले कौन द्रौपदी, तुम्हें यहाँ कौन बुलाया? द्रौपदी बोली महाराज हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए, आपका प्रण सही है कि वरदान? आपका प्रण है कि एक पांडव का वध कर देंगे और वरदान है कि सुहाग अमर हो जाए। पांच पति हमारे हैं, एक भी मार दोगे तो सुहाग से अमर हो। पांच ऐसी नारियां हैं जिनके पांच पति हैं, पांच पांच तक पति हैं और फिर भी वो पति प्रथा देवी भी कन्या है। कौन कौन? अहिल्या द्रौपदी तारा कुंती तथा पंच कन्या, कहीं कहीं पाठ पंचकम नह, दोनों पाठ पंच कन्या
स्मरे कल्प्यम सर्वपापनाशनम्। ये पांच कन्याएं सभी का नाम लिया गया था। पूर्व जन्म की वेद मत में जो छाया सीता बनी थी अग्नि परीक्षा में, उस समय वेदवती बनकर हिमालय पर्वत पर जाकर भगवान शंकर की पांच बार परिक्रमा की, मुझे पति मिले। भगवान भोलेनाथ ने कहा, कन्या तूने पांच बार पति मांगा है, तुम्हारे पांच पति होंगे वही, और तुम्हारा सुहाग अखंड होगा और पति व्रत धर्म भी सुरक्षित होगा, तुम पूजनीय हो। वही देवी द्रुपद नरेश पांचाल नरेश की यज्ञ वेदी से, यज्ञ कुंड से प्रकट हुई है। यज्ञसेनी अयोध्या पांचाली कृष्णा द्रौपदी आज कहती है कि महाराज बताइए आपका प्रसन्न की वरदान बाबा ज्ञान की माला छोड़ दी। बोले द्रौपदी तुम बताओ तुम लिवा को कौन लाया। बाबा ने द्वारे पर देखा पीतांबर वारी नारी है, पीतांबर वारी नारी है, पीतांबर वारी नारी है, पीतांबर वारी नारी है। घूंघट मारे हैं छिपी खड़ी, घूंघट मारे हैं छिपी खड़ी, ये कैसे मारे ये कोई दासी द्रौपदी के साथ आई हुई हो, लेकिन ये दासी है कैसी, लेकिन इसमें अपनी कट में क्यों मुरली मधुर छिपाई है, क्यों मुरली मधुर छिपाई है। क्यों मुरली मधुर छिपाई है, क्यों मुरली मधुर छिपाई है, बाबा को ठगने खातिर, बाबा को ठगने खातिर छिया फैला। उठाकर देखा तो साक्षात नारायण को देखा, चरणों में गिरे और बोले भगवान जिनकी रक्षा करने के हित नारायण नारी बन सकता, बोलो भगवान बोलो भगवान उसका क्या विषम कर सकता, और अपना अपना वापस ले लिया। रक्षा हुई पांडवों की, विजयी हुए, बोलो भक्त भगवान की। यदा मृदे कौरव संजया उसी समय प्रियम द्रोण कृष्णा सुपानां स्वपतां श्रीरामं उपाहरद विप्रियमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगर्भयन्ति। अपने राजा का प्रिय करने के लिए अश्वत्थामा वहां आया। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और अमर है। अश्वत्थामा बलिर व्यासो हनुमान विभीषण कृपा परशुराम सब चैत्य बिना अश्वत्थामा अमर है, नित्य खेरेश्वरम का पूजन करते हैं। अश्वत्थामा आया, यदि बड़ा ही महान है, शंकर जी का अंशावतार है, शंकर जी के अंश से पैदा हुआ है, लेकिन कुशंग दोष के कारण कर्ण और ये दोनों कुशंग दोष के कारण अपयश के भागी बने, अन्यथा ये बहुत उत्कृष्ट चरित्र वाले व्यक्ति। अश्वत्थामा जो है आया और बोला महाराज हम क्या क्या तुम्हारा करें, तो कहा पांचों पांडवों को सिर काट काट
और लेकर के आया कहा हे कुरुवेश आप विजय हुए हैं, आप शत्रुओं के सिर हम लाए हैं। दुर्योधन को ये साथ था, जब हर्ष और शोक दोनों एक साथ आएंगे उस समय इसमें वृद्धि हो जाएगी। तो उस समय उठकर बैठा हर्ष में, भीमसेन ने मेरे सौ भाइयों को मारा है। इसी भीम ने प्रण किया था मथनान कौरव शतम समर नकुलोपात, और उसने प्रतिज्ञा प्रेम करके सौ सौ हमारे कौरव भाइयों को मारा है। इस भीम का सिर आज हम फोड़ेंगे। उठ करके भीम के पुत्र का सिर जोर से दबाया, कोमल सिर फूट गया। अरे ये वही भीमसेन है जिसके शरीर में 10,000 हाथियों का बल था, 10,000 हाथियों की माला बना करके जिसने अंतरिक्ष में फेंक दी, जो आज भी धरती में नहीं गिरी, क्योंकि धरती के कक्षा से ऊपर उठ गई, अंतरिक्ष में पहुंच गई, जहां धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं जानती, उसके ऊपर वो हाथियों की मालाएं फेंक दी। इसलिए आज भी अंतरिक्ष में चमक काट रही हैं वो मालाएं। इतना पराक्रमी ये भीम, उसका शरीर कोमल कैसे हो सकता है? मुकुट उतारा, मणि मणि प्रकाश में देखा ये तो बालक है, ये पांचों ही बालक हैं। मेरे वंश में कोई जल देने वाला बालक नहीं बचा। अरे दुर्योधन, ये शून्याकाश मुझे देख रहा है, ये प्रकृति देख रही है, ये सूर्य चंद्र देख रहे हैं। तुमने भ्रातृद्रोह के कारण अपना वंश नष्ट कर डाला। अरे विश्वेश्वर, लोगों कोई भ्रातृद्रोह मत करना। जो भाई से द्रोह करते हैं उनकी संपत्ति हड़पना चाहते हैं, उनका विनाश निश्चित होता है। आज ऐसे विश्व को शिक्षा देता हुआ दुर्योधन समाप्त हो गया, और उस समय अश्वत्थामा प्राण बचाने के लिए उत्तर बैठकर भाग गया। और इधर उधर जब जब सूर्योदय हुआ, देवी द्रौपदी पांडव समेत भगवान के समेत लौटी, तो शिविर में पांचों बालकों को व्रत देखा। माता शिशुना निधन सुता निशम्य गोरवं परिवर्तमान तदनुरजल वाष्पकलाकुलाक्षी तां सम्पयन्नाहदीतमः किरीटमानी। माता शिशुना निधन, माता ने अपने शिशुओं के निधन देखा, माता विक्षिप्त हो गई, बाल बाल को उठाकर हृदय से उत्तिष्ठता उत्तिष्ठता तैले शिशवो वयस्या अवहयन्तीव्रप्रनन्दन सन्दिह। उठो मेरे पुत्रो, मेरे साथी बालक, तुम्हें खेल खेल के लिए द्वार पर बुला रहे हैं। माता रो रही है, भगवान कहते हैं रो मत द्रौपदी, ये संसार लोक है जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है। कि आज द्रौपदी के अस्त्र नहीं थम रहे, तो अर्जुन ने गांडी उठा लिया। गांडीव मंदई विशिखई रूपाहरई कहीं छिपा हुआ हम उसे बांध लाएंगे, और जो तुम कहोगे वही हम दंड देंगे।
भगवान ने रथ तैयार किया। शैव सुग्रीव मेघ पुष्प लाहक नाम के अश्वों का संयोजन और द्रुत गति वायु वेग से रथ चला, रथ चलने लगा, वायु वेग से रथ जा रहा है। कुश द्रोण द्रोण फलक फलक पुष्कर साल में शाक्षात सप्तद्वीप सुमधरा में खोजा, उसको सामान नहीं मिला। समुद्र के सलिल में खोजा, वहां भी नहीं मिला। तब खगोल में देखा, अंतरिक्ष में आकाश गंगा को पार कर रहा है ब्रह्मलोक। भगवान ने अपने रथ को अश्वत्थामा के रथ के आगे खड़ा कर दिया। अश्वत्थामा के अश्व शिथिल हो गए। उसने देखा मुझ पर प्राण संकट है, तो अस्त्रम ब्रह्म शिरो में आत्मत्राणम द्विजात्मजः। ब्रह्मास्त्र धार लिया उसने और संधान कर दिया, और चला चला तीनों लोगों को अर्जुन ने गांडीव को दिया। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकर तमेको दैवानां अपवर्गो शिशिरते। हे कृष्ण हे कृष्ण हे महाबाहो हे महाभाग हे भक्तों को भेजने वाले भगवान की रक्षा करो। तुम भी अर्जुन ने ब्रह्मा चलाया। अब दोनों भगवान ने कहा तुमने वापस बुला लो। अश्वत्थामा वापस बुलाना नहीं जानता, तुम दोनों अश्वों को वापस बुला लो। अर्जुन ने दोनों अश्वों को वापस बुला लिया और फिर तुरंत अति राघव से अति स्फूर्ति से अर्जुन ने अश्वत्थामा को बांध लिया और रथ के पीछे डाला। भगवान कहते हैं पापी जिसने इस प्रकार से बालकों को मारा है, आप ताई है, हे अर्जुन, मैं क्रोध पूर्वक कहता हूं उसका तुरंत वध कर दो, अभी मार दो उसको। लेकिन अर्जुन का जो क्षत्रियत्व है वो कह रहा है इस ब्राह्मण को मरना उचित नहीं है, इसलिए बोले भगवान इसके दंड का निर्णय तो द्रौपदी करे, मैं नहीं निर्णय कर सकता, द्रौपदी निर्णय करे। अर्जुन ने अश्वत्थामा को वहीं उतारा जहां द्रौपदी रो रही थी। तथा रतनं पशुवत पाशबद्धं अवामुखं कर्मगुप्सिते गिरीश कृष्णापत्र तंदुरो सुतं तथा रतनं पशुपाशबद्धं पशुपाशबद्धं पशु की भांति रसों में बंधा हुआ अश्वत्थामा और निंदित कर्म करने के कारण उसका सिर अवांग मुखम नीचे को झुका है। कर्म जुगुट जुगुटे द्रौपदी ने देखा, अब कारी तो गुरु का पुत्र है, इसी ने मेरे मित्रों को मारा है, लेकिन ब्राह्मण है, मेरे गुरुदेव का पुत्र है, तो नारी हृदय में बड़ी सद्भावना है, नारी हृदय में बड़ी कोमलता है, नारी हृदय में बड़ी दया है, नारी हृदय में बड़ी ममता है, और दया का सागर होता है देवियों के हृदय में। तो बामस भावा नारी का स्वभाव है दया, उसमें दया कूट कर भरी हुई है, तो ऐसे दया की मूर्ति द्रौपदी ने ब्राह्मण को प्रणाम किया। पांडव कहते हैं यही तुम्हारे पुत्र का भक्त बनने वाला और तुम प्रणाम कर रही हो। द्रौपदी बोली मुच्यताम एष ब्राह्मणो नितराणाम और ब्राह्मण तो ब्राह्मण जन्म से ही गुरु है, संस्कार नहीं हुआ तभी वो गुरु है, जन्मना जाए जन्मना ब्राह्मण गया जन्म से ही ब्राह्मण माना मनुष्य सुन जन्मना ब्राह्मण गया संस्कार आदि जो जुते वेद पाठी भगवे दिप्रह त्रिभिर्भूता शस्त्र क्रिया जो तीनों श्रेष्ठ श्रोत्री ये ब्राह्मण है, लेकिन इन्होंने तो तुम्हारे पुत्र मारे हैं, पांचों पांचों का भक्त किया है। द्रौपदी बोली बोली क्यों क्योंकि पिता की आत्मा पुत्र में निवास करती है, आत्मा वही जाए जाए पुत्र गुरुदेव की आत्मा इनमें है, इनके आत्मज हैं ये,
इसलिए गुरु स्वरूप है। आज मैं रो रही हूँ उनके निधन पर, मेरी गुरु माता गोपी रोएगी, इसलिए इन्हें छोड़ दो, क्षमा क्षमा भगवान की अर्ज। मैंने दो बातें तुमसे एक समय में कही थी, ब्रह्म बंधुर नन्तव्य आतताई बधा, ब्राह्मण का कभी बदली होना चाहिए नहीं, आतताई का बदली होना चाहिए। आतताई कौन है? किसी के घर घर की स्त्री पुत्र का अपहरण करने वाला आतताई है, घर में आग लगाकर मारने वाला, विष विष मारने वाला आतताई है, धोखा देकर सच चलाने वाला आतताई है। मत्तम प्रमत्तम अनमत्तम बालम शुप्तम जडोपिवा सोई हुई को मारने वाला, पागल को मारने वाला, बालक और वृद्ध की हत्या करने वाला आतताई है। ये आतताई है। भगवान ने बाली से कहा था तुम आतताई है, क्यों? अनुज बधु भगिनी सुत नारी, अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुन सचले कन्या समाचार। मैंने तुमसे दो बातें कही, मवई मवई को भयो बनाता, दोनों बातें मैंने कही हैं, मेरी आज्ञा का पालन करो। अब अर्जुन ने विचार किया, अशस्त्र बध कैसे हो? तब उन्होंने विचार किया, संभावित अंतिम मरणाधिक स्थिति, संभ्रम का सामाजिक अपमान मृत्यु से भयंकर है, इसलिए अर्जुन ने निकाली तलवार। अर्जुन उसके मस्तक की मणि निकाल डाल, बाल मोड़ दिए और उसको कुरूप बना के सभा से निष्कासित कर दिया। अब शाम अशोक की ज्वाला में जल रहा है, सोच रहा है इससे अच्छा तो अर्जुन हमारा मदद कर देते, मेरा समाज में इतना बड़ा अपमान किया है, मैं आपका पांडवों का वंश नष्ट कर दूंगा। उसने रात्रि में छह ब्रह्मास्त्र चढ़ाए, पांच से पांच जो पांडवों को मरना चाहता है, और छठवें से अभिमन्यु पत्नी उत्तरा के गर्भ में पांडव वंश का एक ही बालक है, उसे नष्ट करना चाहता है। चला दिए छह ब्रह्मास्त्र, भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र के द्वारा पांचों पांडवों की रक्षा की, लेकिन छठवां ब्रह्मास्त्र देवी उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गया। आर्य के पुत्र वधु उत्तरा जिसका गर्भ ब्रह्मास्त्र कर रहा है, व्याकुलदेव कन्हैया की शरण में आई और बोली, पाही पाही महायोगिनी देव देव जगते नान्यम तद्वयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम, हे जगत हे योगेश्वर महायोग, हे जगतपति इस अज्ञात शस्त्र से अस्त्र से हमारी रक्षा कर। भगवान ने विचार किया, सुदर्शन चक्र भी गर्भ में नहीं जा सकता, तो आज मैं ही गर्भ में जाऊंगा। प्रेम ने प्रभु ने तोड़ लिया अंगुष्ठ मात्र का, उन्होंने अपना शरीर बनाया और देवी उत्तरा के गर्भ में प्रवेश हो गए। इस बात को परीक्षित जी ने स्वीकार किया है। भगवान ने रक्षा की हमारी, द्रोणस्त्र विप्लुष्टम् इदम् मदंगम् संतानबीजम् गुरु पांडवानां युगोपक्षिङ्गत आत्मचक्रो मातुश्चमेयः शरणम्। भगवान ने पुष्ट के बराबर शरीर बनाया अणुवणियां और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश हो गए और ब्रह्मास्त्र भगवान के चरणों में लीन हो गया। अब भगवान उस गर्भ की परिक्रमा कर रहे हैं, तब तक मैं गर्भ में रहूंगा जब तक बालक का जन्म नहीं हो जाएगा, और बालक भी कितना सौभाग्यशाली गर्भ में भगवान का दर्शन पा रहा है। समय पाकर बालक का जन्म हुआ। विष्णुनारातम इति विष्णुरातम, भगवान विष्णु के द्वारा रक्षित हुआ, इसलिए इस बालक का नाम विष्णुरात रखा गया। और सब में भगवान के स्वरूप की परीक्षा करने के कारण बालक का नाम परीक्षित रखा गया। बोलिए परीक्षित महारानी जय। जब परीक्षित का जन्म हुआ तो परीक्षित की दादी पांडवों की माता भगवान कृष्ण की बुआ माता कुंती ने भगवान कृष्ण की स्तुति की, हे कन्हैया तुमने सदैव शिक्षणों से रक्षा की, यथा ऋषि के सखले देव देवकी की रक्षा करके आप बहुत वत्सल हैं, बड़ी सुंदर वंदना की आप सब लोग वंदना करना।
बोले कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय सब लोग बोलो कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय तुम नहीं बोले सबके पाप तुम्हारे ऊपर जाएं जिसने बोलो कोई वंचित न हो कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमः नमः हे कृष्ण हे वासुदेव हे देवकी नंदन हे नंदनंदन तुम्हारी जय हो आज भगवान की कुंती हुआ वरदान मांगा तो कुंती ने भगवान से वरदान मांगा विपदा शंतु न शश्वद तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शन मिथ्या पुनर्भव दर्शन हे महाराज गोविंद हमें विपत्तियां दो हमें दुख प्राप्त हो बहुत दुख हमारे ऊपर आ जाए बहुत संकट हमें आ जाए हमारे ऊपर विपत्तियां दुख मिले भगवान बोले माता आप भी जीवन भर तपस्या की और आज मैं जब प्रसन्न होकर वरदान दे रहा हूं तो आपने दुख मांगा आपने दुख क्यों मांगा मैया अरे पहले ही दिन हमारी पूजा करते हैं आरती घुमाते हैं वो पहले ही नहीं कहते हैं सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन करावे पहले ही नहीं दुनिया भर का सुख मांग लेना चाहते तुमने इतनी तपस्या की और दुख मांग रहे हो मैया बोली कन्हैया हमें दुख का बड़ा अनुभव जब दुख पड़ता है तो आपका स्मरण अंतर हृदय से होता है अंतर मन की गहराई से आपका स्मरण होता है गोविंद और तब तुम्हारी कृपा का दर्शन संपत पर होता है इसका हमें अनुभव है दुख में आपका स्मरण सच्चाई से होता है सुख में तो लोग भूल जाते हैं प्रमाद आ जाता है घर से नहीं निकल मनोरंजनों में पूरी रात नाचते हैं क्लबों में लेकिन कथा में सात बजे ही उजाला लगता है कथा में बोले साल साल जाड़ा और जब व्यक्ति जनवरी रात रात वहां डांस करेंगे तो जाड़ा जाड़ा नहीं क्लबों में हमारी वैदिक संस्कृति कहती है रात्रि जो है ये रात्रि योग रात्रि है इस रात्रि में भजन कीजिए या निशा सर्व भूतानां तस्यां जाग्रत संयमी ये श्याम जाग्रत भूतानि सा निशा पश्यतु मुने ये रात्रि योग रात्रि है ये बेला संध्या बेला है कितनी सुंदर बेला में कथा आप सुन रहे हैं संध्या सम्यक ध्यान इसमें निशा संध्या जिस देश काल में परमात्मा का ध्यान किया जाए दो संध्या में नहीं हो दिन रात और समय भगवान की कथा ये सहस्रों कोटि गुना अधिक पुण्य देने वाला समय है जिस संध्या बेला में कथा सुन रहे हैं दिव्य बेला तो भक्तों आज भैया क्या के सुख में लोग भूल जाते हैं मतवाले हो जाते हैं सुख सुविधाओं में पड़े ऐश्वर्य भोगों में इंद्रिय सुखों में और यदि दुख पड़ा तो भगवान की याद आती है दुखों की अगर चोट खाई न होती प्रभु जी तेरी याद आई न होती लेकिन जिसे अनुभव हो गया दुख में भगवान मदद करते हैं तो भजन करता है सुख में भी भजन करता है और जब सुख में भजन करता है तो भगवान उसके दुख दूर किया करता है इसलिए सुख में भजन भजन करो सुख में भजन करते रहो तो दुख नहीं होगा और दुख आवे आप समझ लो भगवान की कृपा है और एक बात विशेष सुनो ये दुख क्यों आता है ये हमारे हमारे जन्म के और इस जन्म के जो पाप देखिए पूर्व जन्म का भी नाता जुड़ा है पूर्व जन्म के पाप संयोग वश अब इस जन्म में उदय हुए तो हमारे ऊपर दुख पड़ा अब जब दुख पड़ रहा है तो पाप नष्ट हो रहे हैं जितना दुख पड़ा पाप सब नष्ट हो गए और सुख बहुत मिल रहा है तो पुण्यों की पूंजी खर्च हो रही है जमा पुण्य जितने किए उस जन्म में वो खर्च हुए जा रहे हैं अब और पुण्य कर नहीं रहे
तो जब पुण्य खर्च हो जाएंगे तब क्या होगा, तब फिर दुख आएगा। जब देवताओं के पुण्य मनुष्य के पुण्य बहुत बढ़े तो उन्हें देवता बना दिया गया, जाओ सुख भोगो। अब वो देवताओं ने तपस्या नहीं की, सत्संग नहीं किया, भक्ति नहीं की, तब क्या हुआ? बोले तुम्हारे पुण्य खत्म करो, स्वर्ग लोक से नीचे जाओ। तो भगवान गीता में कहते ते तम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम छीने पुण्य मृत्यु लोके विशंसन। जब देवताओं के पुण्य छीन हो जाते हैं तो मृत्यु लोक में उन्हें भी अनेक योनियों में भेज दिया जाता है। इसलिए जब बहुत अशुभ मिले तो समझो पुण्य हमारे खर्च हो रहे हैं, और जब पाप मिले तो समझो वो दुख मिले समझो पाप खर्च हो रहे हैं। अब ये दुख जो है ये उसी तरह आपने कहा भगवान तो माता करम सदा प्रीति रखवारी जी बालक राखे मातारी, तो बोले हाँ माता भी अपने शिशु का ध्यान रखती है, भगवान वैसे ही ध्यान रखते हैं। जैसे बालक विस्फोटक फोड़ा हो गया, माता उस फोड़े को चिराने ले जाती है, शल्य चिकित्सक कहता हाथ पकड़ लो चीर दो, माता पकड़ती है वो डॉक्टर जो है शल्य चिकित्सक चीरता है। गोस्वामी जी ने लिखा जो शिशु तन व्रण होए गोसाई मात चिराव कठिन की नाई, ऐसे ही भगवान पाप का फोड़ा चीर रहे हैं, थोड़ा सहल है लो पाप समाप्त हो जाएंगे, बड़ा आनंद ही आनंद हो जाएगा जीवन में। आज कुंती मैया मांगती है दुख दीजिए भगवान, भगवान ने कहा तुम्हारा दुख का कोटा खत्म हो गया, बहुत बहुत तुमने उठाया, युवा अवस्था में विधवा हो गई, छोटे छोटे बाल बाल के साथ जंगल में नहीं वनवास हुआ है, नाना प्रकार की यात्राएं बोली दुख अब समाप्त, भजन भजन करो, भक्ति का वरदान दिया। इधर बारा भीष्म पितामह लेटे हुए हैं सरसैया पर, भगवान ने भीष्म पितामह को जाकर दर्शन दिए, भीष्म पितामह ने कहा केशव विश्व तराई नारायण हुए हैं, इसलिए आप हमारे शरीर खड़े होकर हमारी मृत्यु की प्रतीक्षा करो। पितामह भीष्म भगवान से कहते हैं हमारे मृत्यु की प्रतीक्षा आप करो, और तब तक खड़े रहो जब तक हम मर न जाए, हम आपको देखते रहे आप हमें देखते रहो। ऐसे ऐसे भक्त हैं जो भगवान को सामने खड़ा कर लेते हैं, कहते तब तक खड़े रहो जब तक हमारे प्राण न निकले, तब तक खड़े रहो, ऐसे ऐसे मुस्कुराते रहे ना, हम तुम्हें देखते रहे तो हमें देखते रहो। भगवान बोले ठीक है लेकिन अब ये समय कैसे कटेगा, इसके लिए बोले हम नाम लेते रहे। एक बड़ा सुंदर भजन याद आ गया, आप बहुत देर से भजन नहीं हुआ, दो तीन महीने से इतना तो करना स्वामी जब प्राण से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम कर जब प्राण से निकले, गोविंद नाम कर जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, श्री गंगा जी का तट हो जमुना का बंसी बजो, श्री गंगा जी का तट हो यमुना का बंसी बजो, मेरा सावरा मेरा सावरा मेरा सावधानी तक हो जब प्राण तन से निकले, मेरा सावधानी तक हो जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम कर जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम कर जब प्राण तन से निकले, पीतांबरी कश्यप हो पीतांबरी कश्यप हो, मुखड़े पे पूछ हंसी हो,
पीताम्बरी कसी हो मुखड़े पे कुछ हंसी हो पीताम्बरी पीताम्बरी कसी हो मुखड़े पे कुछ हंसी हो पीताम्बरी कसी हो मुखड़े पे कुछ हंसी हो छवि ऐसी मन मन बसी हो छवि ऐसी मन मन बसी हो जब जबरान से जब जबरान से गोविंद नामे सिर सोहना पुट हो मुखड़े पे काला लल हो ये ध्यान मेरे घट हो जब प्राण से ये ध्यान मेरे घट हो जब प्राण तन से तिले ओ गुंद नामे प्राण से गोविंद नामे प्राणिले जब प्राण कंठ नामे कोई रोग ना सतावे प्राण कंठ आवे कोई रोग ना सतावे यम दर्श ना दिखावे जब प्राण तन से निकले यम दर्श ना दिखावे जब प्राण तन से निकले गोविंद नामे कर जब प्राण तन से गोविंद नामे निकले राधे को सुन लेना श्याम भूल जाना राधे को सारा लाना मुरली की धुन सुनाना मुरली की धुन सुनाना मुरली की धुन सुनाना मुरली की धुन सुनाना जब प्राण सुनले गोविंद नामे प्राण से खुद गर्गर जी हैं श्री हर जी खुद गर्गर जी हैं हर जी आगे तुम्हारी मर्जी जब प्राण आगे तुम्हारी मर्जी जब प्राण निकले गोविंद नामे जब प्राण इस बीच में पांडवों को द्रौपदी को महाराज भीष्मा ने उपदेश किया और उत्तरायण सूर्य ने भगवत दर्शन करते हुए पितामह वैकुंठ को प्राप्त हुए और इधर भगवान कृष्ण द्वारका गए अपनी लीला का स्मरण किया है भगवान ने और अपने अंशों के समेत भगवान वैकुंठ को विराजे ये समाचार
जब पांडव मालूम के माध्यम से उन्होंने तुरंत ही राज्य दिया और पांच पांच समय स्वर्गारोहण कर गए। धर्मराज शरीर स्वर्ग और शरीर स्वर्ग गए और अन्य पांडव उनका देहांत महाराज अपने भगवत भजन हो रहा है, भगवत गुणगान हो रहा है। इसी समय का पता हो गया तो महाराज अब समय समय कह रही है विशेष स्थल पर विराम किया जाए। शेष कथा आप कल श्रवण करेंगे। बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाकी बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर आरती गाऊं, श्याम सुंदर बलि बलि जान